सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया सीरीज डी फार्मा एग्जिट एग्जाम्स के लेक्चर। सभी सब्जेक्ट्स के होंगे धीरे धीरे। शुरुआत हम आज करेंगे फार्माकोग्नोसिस से। आपको दो फायदे होंगे, एक तो डी फार्म का ये लेवल का होगा, एग्जिट एग्जाम डी फार्म का होने तो उन्हीं का जो फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को मैं पहले ले रहा हूँ, सबसे पहले उसको पढ़ाऊंगा। दो फायदे होंगे, लेक्चर सभी आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड होगा, ये देख सकते हैं सभी नोट्स मैंने खुद बनाया हुआ है, तो नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री में आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लिए। इसके साथ साथ आपको एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखें, जैसे कि पहला टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस, सभी का मैंने यहां पे डाल दिया है उसके आंसर के साथ, तो ये भी आपको फायदा होगा, आपकी एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो शुरू करते हैं, ये सबसे पहला फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है आपका, तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 को हम आज कवर करेंगे, ये आपका यूनिट नंबर 1 है, देख सकते हैं आप। टॉपिक इसमें आपके 3 है टोटल, ठीक है। डिफिनीशन, फार्माकोग्नोसिस का डिफिनीशन हमें जानना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसिस, फार्माकोग्नोसिस का क्या स्कोप है उसका, ठीक है, किस किस चीज में काम आएगा, ये सारी चीजों को कवर करना है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्माकोग्नोसिस, बी डी फार्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसिस, इसको ध्यान में रखते हुए, एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को हम खत्म करेंगे। यूनिट नंबर 1 है ये, क्रिएट किया है इस पूरे नोट्स को मैंने, सोहन शुक्ला मेरा नाम है, ऑन बिहाफ ऑफ सुचिता फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल, एंड नीचे आप देख सकते हो सारा डिटेल मैंने डाल दिया है, ठीक है, एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। डी फार्म फार्माकोग्नोसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन, सबसे पहले आपके सिलेबस में यूनिट 1 में आप देखोगे तो डिफिनीशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफिनीशन जानना है कि फार्माकोग्नोसिस होती क्या है, बहुत ही मजेदार होने वाला है लेक्चर, सारा कुछ बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा, ये बड़ा सा डिफिनीशन आप देखते रहो, वो लिखने के काम आएगा आपके, बाकी समझाने का काम मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में करूंगा, ठीक है। सबसे पहले फार्माकोग्नोसिस होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए, जो लाइंस लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ, फार्माकोग्नोसिस इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भैया फार्माकोग्नोसिस फार्मास्यूटिकल साइंस का वो ब्रांच है, वो डिपार्टमेंट है जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं वहां से मेडिसिनल प्रोडक्ट कैसे हमें मिलते हैं, बस पेड़ पौधों से नहीं, नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल प्रोडक्ट जितने भी मिलते हैं पेड़ पौधों से, जानवरों से, एनिमल से, या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं मेडिसिनल वाले, उन सब की पढ़ाई हम फार्माकोग्नोसिस में करते हैं। इसके अलावा जो भी हमें मिलता है उसके अलावा भी उसकी जो निकल रहा है उसको हम पता कैसे करेंगे कि वो क्या है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम पता लगाते हैं, उस एनिमल में से उस मेडिसिनल चीज को, उस जो मेडिसिनल कंपोनेंट आपको मिल रहा है, जो भी मेडिसिन मिल रही है उसको उसके अंदर से निकालना कैसे, जैसे पेड़ के पत्ते में, तो पेड़ के पत्ते के अंदर से निकालना कैसे है, ये भी हम फार्माकोग्नोसिस में जानते हैं और पढ़ते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो ये हो गई सम सिंपल और सरल डिफिनीशन फार्माकोग्नोसिस की, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे निकल रहा है मेडिसिनल कंपोनेंट, ठीक है, उसका उसमें कौन सा केमिकल है, वो आपके अंदर अगर आपको दिया जाए तो आपको उससे क्या फायदा होगा, ये भी आप पढ़ते हो फार्माकोग्नोसिस में। तो मिला जुला बॉटनी, केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी तीनों का ही संगम होता है फार्माकोग्नोसिस ब्रांच, ठीक है। बॉटनी मतलब आप पेड़ पौधों के बारे में तो पढ़ते ही हो, ठीक है, उसके अंदर कौन सा केमिकल है वो उसकी केमिस्ट्री हो गई, और वो आपको दिया जाए तो क्या आपके अंदर इफेक्ट होगा वो उसका फार्माकोलॉजी हो गया। तो ये तीनों चीजें आप एक ही सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसिस में पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अलावा उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका आइसोलेशन, ये सारी चीजें भी आप देखते हो, साथ साथ जो भी पेड़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी कल्टीवेशन कैसे होगी, कैसे उसको लगाया जाएगा, उसकी रोपाई कैसी होगी, जुताई कैसी होगी, उसकी कितना इरिगेशन में कितना पानी देना है हमें, इसके अलावा उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसका हो गया डेफिनेशन सिंपल सिंपल। एग्जिट एग्जाम में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ इसका
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो ये इस पूरे नोट्स को जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके टेंशन मत लेना। बात करते हैं एग्जिट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस डेफिनेशन है तो छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, स्टडी ऑफ सिंथेटिक ड्रग एंड देन केमिकल स्ट्रक्चर, जो ड्रग होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाना, या कौन सा सिंथेटिक ड्रग है कौन सा नॉन सिंथेटिक ड्रग है उसका पता लगाना, ये काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ, बी नंबर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको अगर एक ड्रग दिया जाए तो आपके अंदर क्या इफेक्ट होगा, क्या फार्माकोग्नोसिस का पता लगाता है, ये भी दूसरा ऑप्शन। या फिर तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, या नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो एनिमल से मिले, प्लांट्स मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले, उनमें उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का पता लगाना, ये काम होता है। या फिर एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, या फिर फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन दवाई होती है वो कैसी बनाई जाती है उसका पता लगाना। तो चार ऑप्शन है, सिंपल सा इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन में जाना, तो एग्जिट एग्जाम अगर इससे क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो ऐसा ही आएगा और इसका आंसर होगा सी। या एक और क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, व्हाट डज फार्माकोग्नोसी प्राइमरली इन्वॉल्व, फार्माकोग्नोसी किस चीज में इन्वॉल्व होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन की स्टाइलिंग को घुमा दिया गया है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको बन के आएंगे, दो में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। या तो आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ये इसका काम है, तो हाँ इसका काम बी ही है, ठीक है। तो ऑप्शन कई सारे हैं लेकिन इसका आंसर बी ही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी आइसोलेशन, उसका पता लगाना, कैरेक्टराइजेशन, उसमें कौन सा कंपाउंड है उसका, जितने भी नेचुरल सोर्सेस है या नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये इसकी डिफिनेशन होगी फार्माकोग्नोसी की। अब भाई फार्माकोग्नोसी आप जान गए, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड टॉपिक है सिलेबस में वो है इसकी हिस्ट्री, ये देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, भाई शुरू से लेके अब तक क्या हिस्ट्री हुई, बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना लेकिन कुछ कुछ चीजें तो जानना ही है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस, अलेक्जेंडर को जानते हैं ना, सुना होगा अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी ग्रीस से आया था। तो ग्रीस में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है ग्रीक, जैसे इंडिया है ना, इंडिया में रहने वाले कौन है, हम इंडियन, तो उसी तरीके से, और इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, ब्रिटिश, उसी तरीके से जो ग्रीस देश में लोग रहते हैं उनको कहा जाता है ग्रीक, ठीक है। और वहां की जो भाषा है उसको ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। हिंद जैसे हमें कहा जाता है हिंदी भाषी, वैसे वहां पे ग्रीक भाषा है, ठीक है। ग्रीस में रहने वाले ग्रीक होते हैं, उनकी ग्रीक भाषा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी ये ग्रीक वर्ड से बन के आया हुआ है, जैसे कि दो वर्ड को मिलके बना है, एक फार्माकोन, एक होता है जिग्नोस्को, ठीक है। या इसको कई बार जिनोसिस भी आप पढ़ोगे, कई जगह पे जिनोसिस भी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, दो वर्ड, सबसे पहले फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है मेडिसिन, और जिग्नोस्को का मतलब होता है एक्वायर नॉलेज, ठीक है, मेडिसिन, और मेडिसिन का, मेडिसिन के बारे में, उसके उसके बारे में उसका नॉलेज एक्वायर करना, इसको जिग्नोस्को कहते हैं, ठीक है। तो इन दो वर्ड को बना के बन गया फार्माकोग्नोसी, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेंगे एग्जिट एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे उसको। दूसरा, उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री में, उसके बाद वर्ड तो आपने जान लिया, इसके अलावा इजिप्शियंस जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने पता लगाया कि हर्बल मेडिसिन और प्लांट से हम मेडिसिन बना सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया, ठीक है, सबसे पहले इस चीजों को ट्राई किया। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज आपको लिखा है, इजिप्शियंस वेर अवेयर ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल एंड ऑल्सो अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। द सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद अर्ली डेवलपमेंट इन हर्बल मेडिसिन एंड प्लांट बेस्ड रेमेडीज। तो जो इजिप्शियंस थे, अब इजिप्शियंस कौन होते हैं, इजिप्ट में रहने वाले इजिप्शियंस, जैसे ग्रीस में रहने वाले ग्रीक होते हैं वैसे इजिप्ट में रहने वाले इजिप्शियंस कहा जाता है। इजिप्ट एक देश है, अभी के पहले के जमाने में हिंदी में उसको मिस्र कहा जाता है, ठीक है,
आपने द मम्मी मूवी देखी होगी, उसमें जो मम्मी जो जिंदा हो जाते हैं वो सारे इजिप्ट का ही पुराना सिविलाइजेशन है। अब तो वहाँ पे इस्लामिक कंट्री बन गई है, अब सारी जो पॉपुलेशन वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई है, पहले वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे, ठीक है, तो उनको इजिप्शियंस कहा जाता है। तो वो पुराने जो इजिप्शियंस थे उन्होंने पहले ही इसका पता लगा लिया था कि बहुत सारे प्लांट्स से हम मेडिसिन बना सकते हैं, और उनको ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो ना, एचएपी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो जो आदमी हो उनके एनाटॉमी के बारे में भी नॉलेज कहीं ना कहीं आ गई थी उनके पास, और वही पहले थे जो हर्बल मेडिसिन का यूज करना जिन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो इसका पूरा क्रेडिट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, ठीक है, कि कौन सा वो सभ्यता है जिसने सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट या हर्बल मेडिसिन का यूज करना शुरू किया, ठीक है, समझ लीजिए। तो इजिप्शियन सबसे पहले थे, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीक फिजिशियन है हिपोक्रेट, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट जानते रहिए, ठीक है, इनका भी कई योगदान है फार्माकोग्नोसी में। एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एरिस्टोटल ये भी एक ग्रीक फिलोसफर ही थे, उनको माना जाता है कि वो एनिमल किंगडम जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम सॉरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो एनिमल किंगडम को डिस्क्राइब करने वाले एरिस्टोटल ही थे, ठीक है। डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम आप जानते रहिए, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है एनिमल किंगडम का पता लगाने में, ठीक है। उसके बाद है थियोफ्रास्टस, इनका योगदान है प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब करने में, पता लगाने में, ठीक है, पूरा डिस्क्राइब थियोफ्रास्टस ने किया है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे कि किसने किया है एनिमल किंगडम, एरिस्टोटल, किसने किया प्लांट किंगडम, थियोफ्रास्टस, ठीक है। दूसरे इडेनियस डायस्कोरिडिस, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो, ठीक है, ये भी ग्रीक है, फिजिशियन है, ठीक है। इनका योगदान कहाँ है, इन्होंने किताब लिखी डेमेट्रिया मेडिका, इस नाम से किताब लिखी, और इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। तो अगर बोला जाए कि हु इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो याद रखिएगा ये इनका नाम है इडेनियस डायस्कोरिडिस, ठीक है। हो सकता है इनका बस सरनेम भी लिखा रहे, तो डी आई ओ से जो शुरू होगा वही होगा फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। हो सकता है यहाँ पे पूछ ले कि डीमेट्रिया मेडिका किसने लिखा था, ठीक है, तो वो भी इन्हीं ने लिखा था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन लिनी द एल्डर, इन्होंने 37 वॉल्यूम्स में नेचुरल हिस्ट्री की एक बुक लिखी थी, ठीक है, ये भी ग्रीक ही है। देन ग्रीक फार्मेसिस्ट, ये सबसे पहले फार्मेसिस्ट माने जाते हैं गैलन, ठीक है, इन्होंने वेरियस मैटर ऑफ डिस्क वेरियस मैटर्स ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग, वेरियस मैटर इन्होंने बताया कि कैसे आप मेडिसिन बना सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से, ठीक है, तो इनका भी योगदान है, ठीक। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या फार्माकोग्नोसी कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम लगभग 3500 BC से यूज कर रहे हैं हर्बल मेडिसिन को, ठीक है, हमारे ऋग्वेद या फिर अथर्वेद, ये पूरे आयुर्वेदा से हर्बल मेडिसिन से भरे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, चरक और सुश्रुता, ठीक है, इन दोनों ने भी दो बुक्स लिखी, चरक ने लिखा चरक संहिता और सुश्रुता ने लिखा सुश्रुता संहिता, ठीक है, इन दोनों ने ये दोनों किताबें लिखी, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि चरक में क्या है 50 ग्रुप्स, 10 हर्ब्स का 50 ग्रुप उन्होंने बनाया उस किताब में, मतलब 10 हर्ब्स को लिया उनका 50 ग्रुप बना के उसमें डाला है, बुक्स में लिखा है। और जो सुश्रुता थे, ठीक है, ये हमारे वैद्य थे, चरक और सुश्रुता, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट कहो या फार्माकोग्नोस्टिक कहो, जो भी कहो, साइंटिस्ट आप समझ लो वैद्य थे, जिन्होंने जो मेडिसिन बनाते थे पेड़ पौधों से, ठीक है। इनके बुक में 7 सेट्स थे, जिसमें 760 हर्ब्स का उन्होंने मेंशन किया था अपने बुक में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और याद रखिए हिस्ट्री में। अब 17th सेंचुरी जब आया, ठीक है, द फॉर्मल स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी एज ए साइंस बिगिन टू इमर्ज, 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी वो टाइम था जब फार्माकोग्नोसी नाम आया और इसकी पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है, इसकी पढ़ाई करना शुरू की। इससे पहले तो सब
बस हर्बल मेडिसिन के नाम से जानते हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी में फार्माकोग्नोसी का नाम बाहर आया कि हाँ ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, और इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक, ये 17वीं शताब्दी में हुआ। रुडोल्फ बुचिम वो थे जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया। पढ़ाई तो इसकी शुरू हो गई थी, लेकिन इस वर्ड ये अभी तक नहीं आया था फार्माकोग्नोसी, तो ये इनका श्रेय जाता है फार्माकोग्नोसी वर्ड का रुडोल्फ बुचिम को। 19th सेंचुरी में ये इन्होंने किया था कारनामा। ठीक, ये वर्ड दिया फार्माकोग्नोसी। देन इन 17th सेंचुरी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। 17वीं शताब्दी में भी माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, और जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, आप जानते हैं माइक्रोस्कोप का सबसे ज्यादा काम क्या होता है, आप भी अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी फील्ड में हो, तो माइक्रोस्कोप का सबसे ज्यादा यूज फार्माकोग्नोसी में ही होता है। पेड़ के पत्ते, उसका टीयर्स, बाकी और सारी चीजें काटने देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 17वीं शताब्दी में हुई, वैसे ही फार्माकोग्नोसी की स्टडी में एक नया बूस्ट आ गया, फार्माकोग्नोसी के काम आसान हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आसान किया स्टडी को एक माइक्रोस्कोप ने, वो फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट को किया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर फोटो डाल दी है, चरक जो हमारे वैद्य थे। ठीक है, एक संहिता का हाँ उनका फोटो मैं नहीं डाल पाया, ये चरक थे, इनका एक रॉ इमेज है, आप आसानी से गूगल में खोज सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो हिस्ट्री का था वो कवर हो गया है यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जिट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री में। हु इज नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेज इन द वर्क डीमेट्रिया मेडिका। भाई डीमेट्रिका मेडिका ये बुक का नाम है, किसने किया था, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, मैंने बताया था सर नेम याद रखिएगा, डिस्कोरिडस। ठीक है, इन्होंने ये आंसर इसका बी है। ठीक है, जिग्नोस्को दो वर्ड से बना है, एक फार्माकोन एक जिग्नोस्को। जिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज गेन करना। ठीक है, जिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर ए नॉलेज, ए इसका सही आंसर होगा, चार ऑप्शन है। द फादर ऑफ मेडिसिन इज, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट, पढ़ा है हमने फादर ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे आप देखोगे हिपोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन, नोट्स में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुश्रुता, अब सुश्रुता की यहाँ पे बात हो गई। ठीक है, अरेंज्ड, अब कितने क्या अरेंज किया था उन्होंने, सुश्रुता चरक और सुश्रुता, उन्होंने अरेंज किया था 707 हर्ब्स किसमें, सेवन सेट्स में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ही लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए सुश्रुता अरेंज 760 हर्ब्स इन सेवन डिस्टिंक्ट सेट्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक चीट एग्जाम में आएंगे फार्माकोग्नोसी के इस टॉपिक से, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सब मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम, आप यहाँ पे देख सकते हो फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया, जीनोसिस। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, जानते ही हो आप, डिस्कोरिडस। ठीक है, व्हिच एंशियंट से किसको जाता है क्रेडिट मेडिसिनल प्लांट बेस्ड रेमेडीज करने का, सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता है, ग्रीक, चाइनीज, इंडियन या इजिप्शियन, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा इजिप्शियंस को जाता है इसका क्रेडिट। ठीक है, ये इसका आंसर है। थियोफ्रास्टस इस स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल इज नॉन फॉर वर्क, क्या में इन्होंने वर्क किया था, भाई एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम पे किया था और थियोफ्रास्टस ने बॉटैनी में किया था, इसका आंसर बॉटैनी होगा। ठीक है, हु रोट द फेमस हर्बल मेडिसिन डीमेट्रिका मेडिका, डीमेट्रिका मेडिका किसने लिखा, अभी अभी हमने लोग पढ़ के आए हैं ऊपर से। ठीक है, डिस्कोरिडस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर इन सिग्नेचर। ठीक है, बाकी तीन क्वेश्चन है और उसके आंसर भी मैंने दिया हुआ, सॉरी दस चार पांच क्वेश्चन और बचे और उसका आंसर भी सारा कुछ यहाँ लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ है यहाँ पे उससे रिलेटेड, इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके डी फार्म में, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आएंगे। तो जो डी फार्म की तैयारी आप कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की, उसके लिए ये खास है और तैयार कर लीजिए। पीडीएफ तो आपको ही दे ही दूंगा सारा कुछ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इन क्वेश्चंस का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसको वो फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं कि फार्माकोग्नोसी कहाँ कहाँ काम आता है। भाई फार्माकोग्नोसी तो जान के हम आइसोलेशन में ही हेल्प करता है, कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करता है, आपको दिया जाए मेडिसिनल कोई प्लांट उसका एक्सट्रैक्ट, तो आपके अंदर उसकी फार्माकोलॉजी क्या हो गई, इसकी स्टडी
अब कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में काम आता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, किसी भी नए ड्रग के डिस्कवरी उसके डेवलपमेंट में फार्माकोग्नोसी का एक अहम किरदार है। जब तक आप किसी मेडिसिनल प्लांट की डिस्कवरी नहीं करोगे, उसके अंदर से निकालोगे नहीं कौन सा उसमें केमिकल है, तब तक आप कैसे पता लगाओगे कि उससे क्या बनेगा, ठीक है। तो नए ड्रग के डिस्कवरी में फार्माकोग्नोसी का एक अहम रोल है। इसके अलावा उसके अंदर पाए जाने वाले बायो एक्टिव कॉम्पाउंड की आइडेंटिफिकेशन, एक उसमें से केमिकल निकाला, अब भाई उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो कौन सा उसमें केमिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी फार्माकोग्नोसी का एक अहम रोल है, ये भी इसके स्कोप है। फाइटोकेमिस्ट्री, भाई कौन कौन सा आइडेंटिफिकेशन तभी करोगे ना जब उसका पता लगे कि उसमें केमिकल क्या है, तो उस किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसका पता लगाना, इसका रिसर्च करना, उसमें एल्कलॉइड है, फ्लेवोनॉइड है, टर्पेनॉइड है, क्या है उसमें, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये सारा कुछ का पता लगाना फाइटोकेमिस्ट्री में आता है। तो फाइटोकेमिस्ट्री में भी इसका एक अहम रोल है, ठीक है। इथनो फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी इनकॉर्पोरेट नॉलेज एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन बारे, इथनो फार्माकोलॉजी में भी बहुत काम आती है। जैसे कि इथनो फार्माकोलॉजी का मतलब ये है, एक तो ट्रेडिशनल यूज ऑफ मेडिसिन होता है ना, जैसे हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि बहुत ज्यादा खांसी जब आए तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आता है तो हनी का यूज करते हैं, अदरक और हनी का यूज करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल हमारे मेथड है कुछ। या फिर हमें ठंडी लगती है तो हम अजवाइन खा लेते हैं, अगर ठंडी का दिन होता है, ठंडी लगता है, ठंडी लग गई है, शीत लग गई है, शिकायत होता है, तो हम अजवाइन का यूज करते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशनल कुछ मेथड है अपने आप को खुद से ठीक करने का, अपने को ट्रीट करने का। तो ये ट्रेडिशनल मेथड को लेते हुए मॉडर्न जो मेडिसिनल मेथड है उसके साथ इनकॉर्पोरेट, उसके साथ मेल जोल मिला के एक अच्छे से और अच्छा ट्रेडिशनल वे में, सॉरी ट्रेडिशनल वे में आपको ट्रीट करना, इन दोनों का मिश्रण लेके, हम ट्रेडिशनल मेथड्स को ना छोड़े, ठीक है। ऐसी चीज को इथनो फार्माकोलॉजी में गिना जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, ऐसा यूज करना मेडिसिनल को इस तरीके से हम उसकी स्टडी करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे कुछ ना कुछ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम सारा कुछ अपने से ही ना खत्म कर दें। इस तरीके अगर हम मेडिसिनल प्लांट का यूज करें तो ऐसा ना हो कि मेडिसिनल प्लांट सारा खत्म हो जाए, भाई बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का भी रोल हमारा ही है, ताकि फ्यूचर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इसका यूज करे, तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन सुटेबल यूज, ये भी फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई टिश्यू कल्चर का आपने नाम सुना होगा, टिश्यू कल्चर भी एक फार्माकोग्नोसी में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही टिश्यू कल्चर का आप अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज करता है, फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा रोल है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वाले फील्ड में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा रोल है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है, इन सब में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन, ग्लोबल हेल्थ में क्या हो रहा है, कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा ट्रेडिशनल यूज, जैसे ग्रीक हो गया, ग्रीक मेथड, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सबको मेल जोल मिला के अच्छे से स्टडी करना, सारे कुछ का जो भी सिस्टम है मेडिसिन का, उन सबका जो रॉ मेटेरियल जो मेडिसिन आता है वो आपका कहीं ना कहीं पेड़ पौधों और नेचुरल सोर्स से ही आता है। तो फार्माकोग्नोसी सभी में बहुत ज्यादा योगदान देता है, सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। ये सारे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी होके अब एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे रिलेटेड आते हैं, जैसे कि सबसे पहला देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी इन मॉडर्न इरा, भाई मॉडर्न इरा में फार्माकोग्नोसी का सबसे बड़ा रोल क्या है, स्टडी ऑफ सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग की स्टडी करना, आइसोलेशन ऑफ मिनरल फॉर मेडिसिनल पर्पज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो भाई यही है इसका आंसर, ठीक है। आंसर अच्छा नीचे दिया हुआ है, आंसर सबका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो। विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी इन रिसेंट ईयर्स, तो पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एडवांस हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, भाई केमिस्ट्री एंड बॉटनी ही तो पता लगाते हैं किसी भी प्लांट का, ठीक है, इसी में इसका रोल है।
व्हाट रोल डज फार्माकोग्नोसी प्ले इन ड्रग डिस्कवरी? भाई ड्रग डिस्कवरी में फार्माकोग्नोसी क्या रोल निभाता है? तो स्टडी द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, यही तो आप पढ़ते हैं किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में फार्माकोग्नोसी का यही तो काम है। मैन्युफैक्चरिंग का थोड़े काम होता है, या सिंथेटिक ड्रग्स का थोड़े काम होता है, या फिर आपके अंदर इफेक्ट पता लगाने काम नहीं होता ना, पोटेंशियल क्या पोटेंशियल है, साइड इफेक्ट है, इसका पता लगाना थोड़े होता है। यहाँ पे स्टडी द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये इसका। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है, तीन चार और क्वेश्चन बचते हैं, वो आप अपने से देख लीजिए और सबका आंसर दिया हुआ है। तो इतने ही पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं, और उनका सबका मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और ये आपका हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्माकोग्नोसी इस लेक्चर में खत्म कर दिया है। मुझे उम्मीद है सब कुछ खत्म ही हो गया है। अगर कुछ भी आपको चेंज चाहिए पढ़ाने के तरीके में तो जरूर उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक इसका पीडीएफ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।